गाइस व्हाट्स अप सलाम नमस्ते सत श्री अकाल सबको ढेर सारा प्यार मेरा वेलकम टू माय ब्लॉग्स। तो गाइस मैं हूँ इस वक्त अपने घर के बाहर और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी है, इतनी ज़्यादा ठंडी है कि क्या बोलूँ, बिकॉज 16-17 डिग्री है, मगर वो 16-17 डिग्री ऐसी 16-17 डिग्री नहीं है, बदन में कपकपी हो जाए ऐसी ठंडी है भाई। यहाँ पर कोहरा देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा होगा तो मेरे मुँह से वो जो भाप भी निकल रहा है वो भी आपको दिख रहा होगा। बहुत ज़्यादा ठंडी होती है यहाँ पर और ये नवंबर का एंडिंग है और एक बार नवंबर ख़त्म हो जाएगा, दिसंबर आएगा और जनवरी आएगी तो मैं भी आपको नहीं दिखूँगा इस कैमरे के आगे, इतनी यहाँ पर ठंडी होती है। मेरा हाथ एकदम वाइट हो गया और फ्रीज हो चुका है, ठीक है। तो मेरी मम्मी मुझे आवाज़ दे रही थी और मैं मम्मी को दिख रहा नहीं था, ये पीछे से मेरी मॉम आ रही है। हाँ तो ऐसी यहाँ पर ठंडी होती है, तो मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। बस स्टार्टिंग है दिसंबर का, मेरे ख्याल से लास्ट एंडिंग ऑफ नवंबर है और ये कोहरा है यहाँ पर, मतलब आगे का घर, इतने सारे घर है एक घर नज़र नहीं आएगा आपको। और मैं आपको फील्ड दिखाता हूँ, खेत, आपको आगे का कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि इतना ज़्यादा कोहरा है कि इतना ज़्यादा कोहरा हो जाता है कि ये जो मैं तो थोड़ा बहुत फील्ड दिख रहा है, ज़मीन दिख रही है दिसंबर और जनवरी में ना, यहाँ पर तो कुछ नहीं नज़र आएगा। यहाँ पर इतना बड़ा खेत था और पता नहीं यहाँ पर लोग गाड़ी कैसे चला लेते हैं, सामने वाला कैसा देख लेते हैं, बहुत चांसेस होता है क्योंकि यहाँ पर गाड़ी चलाते वक्त इंडिकेटर जलाना पड़ता है कि सामने वाले को लगे कि सामने से कुछ आ रहा है। तो गाइस ये कोहरा दिखने आने वाला है क्योंकि मेरे को इस वक्त रोड में आगे नहीं जा सकता, मेरे को रोड दिख रहा ही नहीं है। रही जान लियो, इतनी ठंडी रहती है। आउट ठंडी चाहिए तवा में ऐसे हाथा कुन 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 चाहिए तवा में। अभी तो है तो कैसे किया पहले है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, मैं रह चुकी हूं ना ऐसे। तो ये मतलब जो जनवरी आता है तो और ठंडी हो जाती है का मतलब, बहुत कनकनी रही से वैसे ले आओ तो का तापो तब हाथ सही हुई। अरे बाप रे बाप, इतना ठंडी होता है। मैंने तो इतना एक्सपीरियंस नहीं किया हूं, मगर यहां पर आने के बाद मुझे 4-5 दिन और चली जाओ। तो दिसंबर में सुना यहाँ पर कोहरा और ज्यादा, दिसंबर में सुना और ज्यादा कोहरा हो जाता है यहाँ पर, बहुत परेशानी रहा। अरे अभी यही समझो, देखो क्या दिखाते हैं, घरों दिखाते हैं, देखो घर भी नहीं दिख रहा यहाँ से। तो यार सीधे घर किधर है, आपने शकील मामू का घर ये है ना सामने वाला, तो दिख रहा ही नहीं घर यहाँ पर। अभी कोई जाए कि बोले घर तो आप लोग कैसे यहाँ पर काम कर लेते हैं ठंडी में, तो अब क्या करा जाए। चौवा हमारे सब 4-9 बजे 3 बजे उठे है ना, 3 बजे उठे आप लोग, आदत है ना, इनका आदत है सुबह ही उठी है, तब नहीं पानी छोड़ा गुआ जाओ खवाओ, मतलब इतना काम 3 बजे उठ के काम चालू कर देते हैं, बाप रे। तो जब ऐसी और ज्यादा ठंडी थी तो भी उसमें काम करते आप लोग, कब वो नहीं बंद रही। सल्यूट यार आप लोगों को, इतना काम करते हैं आप लोग ऐसा ठंडी में। मैं तो अम्मी को देखो, मैं तो ऐसी ठंडी में रजाई के 5 बजे उठ जाती है, तो 11 बजे से नीचे ना उठी। मैं तो रजाई है ना, चाचा रजाई डालकर मैं बाहर भी नहीं निकलू ऐसी ठंडी में भाई। हाँ तो तुम कैसे उड़ गया जी, इतने ऐसे देखना था कोहरा था ना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था देखने। हाँ वहाँ से आ रही हूँ यहाँ तक दिखाई दे रहा, दिख रहा ही नहीं था कुछ। अगर अभी कोई आवे कि शकील मामू के घर पे जाने का, ऐसा चला जाए भैंसिया से लड़ जाए ना, भैंसिया से लड़ जाए कुल, देखो भैंसिया से लड़ जाए। सो गाइस आपने देखा इतनी ज्यादा ठंडी होती है यहाँ पर और कुछ नहीं दिखाई देगा। देख आप देखना, मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ, ये मेरे मामू का घर आपको दिख रहा नहीं होगा मगर आप जाके दिखेगा, यहाँ पर घर है, ये घर है यहाँ पर ये। हाँ गाइस मैं निकल रहा हूँ इस वक्त गोंडा के लिए और गोंडा यहाँ से इतरामपुर से मेरे ख्याल से 3 घंटे का रास्ता है। पहले तो उतराला में होल्ड होगा, उतराला की मार्केट दिखाऊंगा आपको, एक बार मार्केट दिखा दूँ तब आपको लगेगा। ये है मेरा भाई छोटा सा, इधर आओ, हेलो बोलो, हेलो। और ये मस्जिद के पास जाऊंगा, वहाँ से हम लोग निकलेंगे, मेरा भाई आ रहा है बाइक लेके। बहुत ज़्यादा ठंडी है, फुल ऑल चिलिंग है, तो आप देख सकते हो कोहरा कितना है यहाँ पर। और देखना है आपको, मैं रास्ते में दिखाऊंगा कितना ज़्यादा कोहरा होता है यहाँ पर। फिलहाल अभी तो बहुत स्टार्टिंग है कोहरे का, दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा कोहरा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको रास्ते में जो हमारा रूट होगा वो रास्ते में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये लोग बाइक चलाते हैं और कितना ज़्यादा कोहरा होता है उसके बीच में से ये लोग बाइक कैसे लेके जाएंगे अल्लाह जाने। फिलहाल तो मैं टेंशन में हूँ,
बैठूंगा। ये भाई साहब का इसका ये इतना भी एज में इतना भी बड़ा नहीं है, फिर भी इसके साथ जाना एक अलग सा एक्सपीरियंस होगा, मज़ा आने वाला है। देखो ये रहा, ये बाइक चलाने वाला है। हेलो बोलो। हेलो। हाँ तो ये अपने भाई साहब जैकेट पहन लिए हैं क्योंकि ठंडी बहुत है, और सामने से एक औरत आ रही वो भी नहीं दिख रही थी। अब आपको मैं रास्ते में पूरे वीडियोस दिखाऊंगा कि इस कोहरे में बाइक कैसे चला रहे हैं और हम अपने मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो ये कितना कोहरा है, और मैं बाइक पे हूँ इस वक्त। मेरा भाई एक छोटू पीछे बैठा हुआ है, और एक ये भाई साहब हैं जो बाइक चला रहे हैं। आगे भाई संभल कर चलाओ, कुछ दिख रहा नहीं है। मैं एकदम स्लो चला, सामने से इंडिकेटर चालू कर देना। तो गाइस देख सकते हो आप कितना कोहरा है, और मैं इस वक्त बाइक पे बैठा हुआ हूँ। आगे का रास्ता कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। शायद आपको कैमरे में कुछ हल्का फुल्का साफ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ से ऐसा देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, और बहुत ज़्यादा कोहरा है। और मानना पड़ेगा ये लोग बाइक किस तरीके से चलाते हैं। ये देखिए फील्ड में आपको दिखाओ ये कोहरा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आगे गाँव है, वो गाँव भी नहीं दिख रहा है इस कोहरे में। तो बजाते रहना भाई, तो सामने से कोई आके आते तो भोग ना कर दे, भिड़ ना जाए। ये तो एक स्टार्टिंग है नवंबर का, इसके बाद तो और डेंजर कोहरा होने वाला है। हाँ आप ये स्पीड देखो भाई, स्पीड चलना पड़ता है, बिकॉज अगर ज़्यादा स्पीड रखेंगे तो आगे कुछ भी हो सकता है। तो बहुत संभल कर चलाना पड़ता है, मगर मानना पड़ेगा लोगों के जजमेंट को, ये बहुत प्यारा जजमेंट है। आगे का कुछ सन्नाटा है, कुछ रोड नहीं दिख रहा है। ये देखो बाइक आ रही है, तो हल्की लाइट भी इतने नज़दीक आने के बाद आपको बाइक नज़र आई। तो गाइस मैं तो यार एकदम शॉकिंग हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इसके साथ कोहरे में बाइक पे बैठना। ये देखो हल्का हल्का लाइट दिख रहा है, ये एक बाइक आई मतलब एकदम नज़दीक आने के बाद बाइक दिखती है। आने वाले दिसंबर में और जनवरी में तो और कोहरा होगा। ये आपको जो फील्ड दिख रहा है, ये फील्ड भी नहीं दिखेगा इस कैमरे में। तो कैमरा भी फेल है, अपनी आँख भी फेल है, हर चीज़ फेल है सामने देखने के लिए। तो बस चलते रहो, ऊपर वाले का नाम लेके कुछ ना कुछ तो दिखते रहेगा। आगे भी हैं कुछ लोग, उन लोग को जो नज़र नहीं आ रहे, वो जैसे जैसे कोहरा जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे तो दिखेंगे, वरना इस धुंध में कोई नहीं नज़र आता है। और हम लोग हैं इस वक्त इटैरामपुर खास से हम लोग निकल रहे हैं उतरौला। तो ये उसका रूट है, और गाइस देख सकते हो कितना ज़्यादा कोहरा है यहाँ पर, हमको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ ठंडी भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो जितने भी बाइकर्स सामने से आते हैं वो बिल्कुल नज़र नहीं आते, तो फाइनली लाइट जलाना पड़ता है, तो कोई तो दिखे, वरना पता चला हम और वो एक दूसरे को भिड़ जाएंगे और टक्कर हो जाएगी। तो इससे बेटर है, कॉफ़ी वाला था क्या, ऐसे टाइम पे कॉफ़ी मिल जाए ना तो वो मज़ा आ जाएगा यार। कॉफ़ी भी नहीं है यार, उतरौला में मिलेगा ना तो तक। ये 12 किलोमीटर यहाँ से 12-13 किलोमीटर है ना भाई। आप ऐसी जगह चला रहे हो रिस्क वाली जगह पर, तो प्लीज़ कृपया करके हेलमेट पहने। यहाँ पर गांव साइड में हेलमेट रहता ही नहीं है, और अगर नहीं भी है तो भी आप कहीं से भी खरीदिए और हेलमेट पहनिए, बिकॉज चलाते हैं। देखिए किस तरह स्कूल के बच्चे मॉर्निंग में स्कूल जाते हुए, हेलो बोलो, हाय बोलो, हेलो। तो बच्चे सुबह सुबह मॉर्निंग स्कूल जा रहे हैं, और इतनी ठंडी में, इससे भी कड़क ठंडी में बच्चे स्कूल जाते हैं, वाह बच्चों वाह। और आगे जाके इनको ठंड की छुट्टी भी मिल जाती है। तो बहुत संभल कर काशिफ भाई बाइक राइड कर रहे हैं, और धीरे धीरे चला रहे हैं। कि रास्ता भी थोड़ा ख़राब है यहाँ पर, आगे जाने के बाद थोड़ा रास्ता सही होगा, क्योंकि खड्डे वड्डे बहुत है रास्ते पे, फुल ऑफ रोड भी है, बीच में ऑफ रोड आता है, फिर सही रोड आता है। तो अभी रास्ता का हमको भी नहीं पता कि यहाँ से लेफ्ट की राइड कब लेफ्ट आएगा कब राइट आएगा, क्योंकि आगे का कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अगर आगे से कोई गाड़ी आ रही हो तो होप वो अपनी लाइट चलाते हुए आए, नहीं तो पता चला हम लोग एक दूसरे में घुस जाएंगे। ये देखो सामने से लोग, तो पता भी नहीं था कि सामने कुछ लोग हैं। ये देखिए गाड़ी आई तब नज़र आया, ये अंकल जा रहे हैं सुबह सुबह। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं मगर नज़र नहीं आ रहा है, जैसे नज़दीक जाने के बाद मालूम पड़ता है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं। तो हेड्स ऑफ है ये लोगों को कि लाइट चलाते हैं। अभी देखिए यहाँ से टर्न आ रहा है,
टर्न आया क्या भाई? टर्न में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग सुबह के करीब है पहुँचने वाले, ये सामने हम लोग पेट्रोल पंप जाना है। पेट्रोल भराने के लिए रास्ता थोड़ा लंबा है तो पेट्रोल भराने के लिए सही रहेगा। मैं इस वक्त उत्सवा में खड़ा हूँ, पेट्रोल पंप है सामने, पेट्रोल पंप तक आपको नज़र नहीं आएगा, पेट्रोल पंप दिखा दे ज़रा तो आपको यहाँ पे पेट्रोल पंप तक नज़र नहीं आ रहा, इतना कोहरा है और इतनी ज़्यादा ठंडी है यहाँ पर, 16-15 डिग्री है, 15 डिग्री में भी इतना कोहरा होता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और मैं निकल रहा हूँ इस वक्त उतराला के लिए, यहाँ से 13 या 14 किलोमीटर यहाँ से उतराला है, तो पूरा रास्ता आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इस रास्ते पे कोहरे होते हैं और रास्ता दिखाई नहीं देता है, जो कि बहुत रिस्की होता है, लोग कैसे चलाते हैं यहाँ पर गाड़ी, वो डेफिनेटली आपको हर एक चीज़ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, तो बने रहना मेरे साथ। थैंक यू। तो गाइस देखिए कितना कोहरा है यहाँ पर, और मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि ये रूट जा रहा है उतराला के लिए, ये रोड का ना, ये कौन सा रोड है, ये हुसैनाबाद रोड है, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा कड़क ठंडी है, यहाँ से बाइक चलाते हैं और अच्छे तरीके से चलाते हैं, बहुत मज़ा आता है ये भाई, कुछ तो यहाँ पर तो कुछ नहीं समझ में आ रहा भाई। तेज चलाने का चक्कर ये है कि कहीं पर भी घुस जाओ, रास्ता नहीं नज़र आए और कहीं पर भी चले जाओ, और वहाँ बाइक वाला है तो दिखाई नहीं। तो गाइस देखिए यहाँ सामने से बाइक भी आ रही है ना, अच्छा भाई साइड में ले लिए भाई, भाई स्कूटी बस है जो कुछ नहीं नज़र आ रही थी, एकदम सामने जाने के बाद समझ में आया, फिलहाल आगे का तो रास्ता दिख रहा नहीं है, चले ना तो आगे एक यहाँ से अभी एक जंगल पड़ेगा, तो जंगल पड़ेगा तो वहाँ पर और ज़्यादा कोहरा रहने वाला है, मारते रहना भाई। हाँ तो ये आगे जंगल आप देख सकते हो, यहाँ पर पूरा अंदर बंद जंगल है, देख सकते हो फुल पानी से भीग गया है, इतना ज़्यादा कोहरा है, क्योंकि मैं चश्मे से दिख रहा नहीं था, ये कोहरे का पानी है चश्मे के अंदर, तो बाइक वाला शायद आपको अब नज़र ना आ रहा हो, बाइक वाला गायब हो गया, थोड़ी देर पहले बाइक वाला था इसके आगे, तो वो तो गायब हो गया, और जितनी नज़दीक जाएगी वो मिलेगा यहाँ का गाड़ी, तो यही एक्सीडेंट्स का कारण होता है हाईवे पे, इतने कोहरे होते हैं कि कोई एक दूसरे को दिखता नहीं है, अगर कोई ने 2 मिनट के लिए भी अगर गाड़ी रोका हो तो पीछे वाला गाड़ी आगे घुस जाएगा, ठोकर मार ही देगा कैसे भी करके, बिकॉज उसको समझ में नहीं आएगा सामने गाड़ी है, तो अपने मैक्सिमम स्पीड में देखिए इधर और ज़्यादा कोहरा है, अभी एक बाइक वाला गया आपके सामने, वो गायब हो चुका है, मुझे तो नहीं दिख रहा है अपनी आंखों से, मगर शायद इस कैमरे में हल्का फुल्का दिख रहा है, वो भी नहीं दिख रहा है मुझे, तो हल्का सा दिख रहा है।
यहाँ की मार्केट में ये उतराला की मंदिर गोल्डन टेम्पल लग रहा है उतराला का। ये लकड़ी वाले मैं हूँ अभी उतराला के चौराहे पे और मैं जा रहा हूँ नूरी लस्सी के लिए, जो कि बहुत फेमस नूरी लस्सी है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है नूरी लस्सी, तो अभी ऑन द वे स्टी है, बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप उतराला आते हो तो नूरी लस्सी ज़रूर पीना। तो मुझे तो बहुत पसंद है नूरी लस्सी और आपको भी है नूरी लस्सी आज दिखाने वाला हूँ, तो देखिएगा। तो ये है हमारा नूरी लस्सी, नूरी लस्सी के साथ साथ यहाँ का रसगुल्ला भी फेमस है भाई। भाई लस्सी चार, जो प्रेजेंटेशन है उनका लस्सी बनाने का बहुत क्लास है यार, मुझे तो बहुत पसंद है। आज है ना भाई मलाई रबड़ी सब है ना भाई, हाँ उनका जो लस्सी का टेस्ट है ना बहुत मस्त है, मुझे तो बहुत पसंद है। आ रहा हूँ मैं तुम लोग, तो आ जाओ अंदर। मावा ज़्यादा ज़्यादा डालना मेरे में भाई। मलाई भाई आज वो नहीं डाले। हाँ भाई लोग हैं तो बैठे हुए नूरी लस्सी के लिए। भाई इधर आना, मैं भी आना चाहता हूँ। ये नूरी लस्सी तो बहुत ज़्यादा फेमस है और मैं बहुत दिनों से मज़ा आ रहा था कि मैं नूरी लस्सी पीऊँ, और मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ उतराला के नूरी लस्सी के शॉप में। इसकी रबड़ी, इसके अंदर मलाई और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो मैं इसको टेस्ट करूँगा और आपके सामने आपको बताऊँगा कि इसका आई मीन कितना स्वीट सा और कितना ज़्यादा अच्छा है, तो पीने के बाद ही मालूम पड़ेगा। क्या बताऊँ, ऑसम है गाइस। मैं पी रहा हूँ और मुझे पता है इसके अंदर का टेस्ट, जो इसका रबड़ी है आई मीन इसके अंदर का खोआ, जो इसने खोआ डाला हुआ है, मलाई डाला हुआ है और लस्सी का जो टेस्ट है ना ऑसम है गाइस। लिटरली बोल रहा हूँ, अगर आप उतराला आते हो तो डेफिनेटली इसको टेस्ट करना, मुझे तो बहुत पसंद आया और बहुत ज़्यादा अच्छी है लस्सी है, और ये भी बहुत ज़्यादा पुरानी लस्सी की दुकान है, तो मैंने बहुत सुना हूँ इसके बारे में भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, आई लव यू ऑल। फिर मिलेंगे एक अलग ब्लॉग्स में, एक अलग अच्छे मनोरंजन के साथ, अच्छे एंटरटेनमेंट के साथ। थैंक यू सो मच।